वेलकम बैक टू जगदीश का डोकोड्रामा। जगदीश के डोकोड्रामा में फिर से आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग बताने जा रहा हूँ पूर्वोत्तर भारत की मतलब नॉर्थ ईस्ट के असम स्टेट के एक कम्युनिटी के बारे में। इस कम्युनिटी का नाम मिसिंग कम्युनिटी। एक्चुअली पूर्वोत्तर भारत विशेष संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली के लिए जाना जाता है। यहाँ 200 से अधिक आकर्षक जनजाति द्वारा बसाई गई भूमि है। ২০২১ जनगणना के अनुसार असम की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 12.4% थी। भारत का संविधान असम की जनजातियों को दो समूह में वर्गीकृत करता है, अनुसूचित जनजाति पहाड़ी और अनुसूचित जनजाति प्लेन। चूंकि मैदान इलाकों में रहने वाली पहाड़ी जनजातियाँ और बड़ी संख्या में पहाड़ियों में रहने वाली जनजातियों को संबंधित स्थानों में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, इसलिए हो सकता है कि जनगणना की आंकड़े सही आंकड़े ना दर्शाए। असम ट्रिब्यून ने दावा किया है कि यदि इन श्रेणियों को वास्तविक जनसंख्या में गिना जाए तो लगभग सभी जनजातियों द्वारा असमी भाषा का प्रयोग आम भाषा के रूप में किया जाता है। मिसिंग, जिसे कभी कभी मिरी कहा जाता है, भारतीय राज्यों और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहने वालों एक स्वदेशी समुदाय है। उन्हें अतीत में मिरी के रूप में भी जाना जाता था और अभी भी भारत के संविधानिक में मिरी के रूप में ही मान्यता प्राप्त है। मिसिंग को भारत सरकार द्वारा मिरी नाम से अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। उनकी भाषा मिसिंग चीन तिब्बती परिवार की तानी शाखा का हिस्सा है। जैसे आप लोगों को बताया गया, आज मैं असम के मिसिंग समुदाय के बारे में बताने जा रहा हूँ। मिसिंग समुदाय के जो एथमोलॉजी है या शब्द साधन है, मिसिंग कम्युनिटी का जो ये मिसिंग वर्ड है, मिसिंग एक उपनाम है, इसका शाब्दिक अर्थ है कि मिट्टी का आदमी। दूसरी ओर मिरी के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली मिरी मैदानी असम लोग द्वारा लागू किया जाने वाला एक उपनाम है। इस शब्द की उत्पत्ति पर अभी भी बहुत विज्ञानों की बहस है। कुछ उपनिवेश विद्वानों ने तर्क किया है कि मिरी ने ब्रह्मपुत्र घाटी में मैदानी लोगों और उत्तर में पहाड़ी जनजातियों की बिचौलियों के रूप में से अपनी स्थिति का उल्लेख किया। कुछ तानी पहाड़िया जनजातियों में धार्मिक पदाधिकारियों के साथ हाल ही में छात्रवृत्ति से जुड़े मिरी। इस दृष्टिकोण के अनुसार जब मिसिंग मैदानों इलाकों में चले गए तो उन्हें मिरी पहाड़ मिरी हिल से आने के रूप में पहचाना गया, जिसके जादू के करतब उस समय प्रसिद्ध थे और नाम अटक गया। जनसंख्या पॉपुलेशन, मिसिंग कम्युनिटी के जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार असम में जितने भी मिसिंग कम्युनिटी के लोग है, अगर उसको देखा जाए तो 60 लाख के आसपास है, मतलब 7 लाख है। और ये मिसिंग कम्युनिटी असम के 10 ऐसे जिलों में रहते हैं या ऐसे 10 जिलों में मिसिंग कम्युनिटी के लोगों को पाया जाता है, जैसे कि लखीमपुर, धेमाजी, सोनितपुर, माजुली, तीनसुकिया, दिब्रुगढ़, शिवसागर, जोरहाट, कोलाघाट। इन 10 जिलों में मिसिंग कम्युनिटी के लोग ज्यादातर रहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों में पूर्वी सियांग जिला, निचली दिवांग घाटी और लोहित। अरुणाचल प्रदेश में सबसे प्रमुख मिसिंग गांव में से पूर्वी सियांग जिले के ओयान नामसिंग शामिल है। लोहित जिले में नामसाई में मिसिंग की अच्छी संख्या पाई जाती है, खासकर सितालो मिसिंग गांव के आसपास के इलाकों में है। हिस्ट्री ऑफ मिसिंग कम्युनिटी, मिसिंग कम्युनिटी की हिस्ट्री के बारे में बताओ। जो मिसिंग तानी लोग बहुत बड़े समूह से संबंधित है। जो मिसिंग भाषा है, जो मिसिंग लोग बोलते हैं, मिसिंग कम्युनिटी के लोग बोलते हैं, वो भाषा तिब्बत के भाषाओं के साथ मिलते हैं, ऐसे भी लोग कहते हैं। और हिस्ट्री में भी पाया गया, क्योंकि जो शाब्दिक या जो वर्ड के फॉर्म है, फॉर्मेशन है, वो तिब्बत से काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए बोलते हैं चीन तिब्बत की भाषाओं के साथ मिसिंग भाषा मिलते हैं, जिसमें भारत और तिब्बत में अरुणाचल के कई ऐसे जनजातियाँ शामिल हैं। अरुणाचल में भी ऐसे बहुत कम्युनिटी हैं जिस कम्युनिटी के भाषाएं और रहन सहन मिसिंग लोगों के साथ या चीन और तिब्बत से अभी भी ताल्लुक रखते हैं या कहीं ना कहीं रिलेटेड है। सभी तानी जनजातियाँ भाषाएं, सांस्कृतिक और अनुवंशिक समानताएं साझा करती है। सियांग सुबनसिरी क्षेत्र में तानी लोगों, विशेष रूप से पदम मिनियांग के साथ
उनकी सबसे बड़ी समानता है। मिसिंग का सबसे पहला उल्लेख 17वीं शताब्दी की शुरुआत में आहुम साम्राज्य से मिला है, जब मिसिंग अभी भी ब्रह्मपुत्र की घाटी के उत्तर में स्वतंत्र पहाड़ी जनजाति थे। 1615 में मिसिंग ने आहुम क्षेत्र पर छापा मारा और उन्हें भेजा गया था, लेकिन बल विफल रहा। 1655 में मिसिंग ने और एक छापा मारा, जिसके परिणाम स्वरूप अहम बलों द्वारा एक सफल जवाबी हमला किया गया, जिसके दौरान मिसिंग को अधीन कर लिया गया। वह अहमों को वर्षिक कर देने के लिए सहमत हुए और अहमों को उनके द्वारा चलाए गए दो लोगों के लिए 12 व्यक्ति दिए। बाद में कई मिसिंग को अहम प्रशासन ने ऊंचे पद पर दिए गए। हिमाचल से असम के मैदानी इलाकों में उनके प्रभाव के बारे में मिसिंग का कहीं लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन इतिहास को लोक गीतों और कहानियों के रूप में बच्चों द्वारा पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित किया गया था और अभी भी उनके समाज में प्रचलित है। हालांकि वो शुरू में पहाड़ी निवासी थे, बाद में वो मैदानी इलाकों में चले गए और असम की नदियों के किनारे रहने लगे। निवास स्थान के इस परिवर्तन का कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन एक सिद्धांत कहता है कि वर्तमान में असम में मैदानी यानी कि प्लेन इलाकों में रहने वाले मिसिंग एकल जनजाति नहीं थे, बल्कि ये विकसित हुआ जब अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न तानी जनजातियों से कहीं जनजाति मैदानी यानी कि प्लेन इलाकों में चली गई। असम में विभिन्न मिसिंग बोलियों के साथ साथ विकास के विभिन्न स्तरों के साथ कई मिसिंग कुलों की उपस्थिति की व्यवस्था करता है। इतिहासकारों के अनुसार मिसिंग के दो समूह बारोगम और दोगम के मैदानी यानी कि प्लेन इलाकों में उतरे। अन्य सिद्धांतों में कहा गया कि सुबनसिरी सियांग क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में मिसिंग अबोरों के अधीन थे और इसलिए उनकी दुर्दशा से बचने के लिए मैदानी इलाकों में चले गए। मिथ्या लोककथाएं ब्रह्मपुत्र पर मिसिंग द्वारा ब्रह्म सैनिकों के घाट की बात करती है, जिसका अर्थ है कि 1817 के ब्रह्म आक्रमणों से पहले असम में मिसिंग की स्थापना की गई थी। हालांकि प्रारंभिक ब्रिटिश काल के दौरान मिसिंग मैदानों इलाकों में जाना जारी रखा, लेकिन यहां तक कि वो भी जारी रहे, अपने पूर्व अभर अधिपतियों से छापे का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश प्रशासकों ने भी कहीं मिसिंगों को अपने पुराने अधीनस्थ स्थित में वापस पहाड़ियों पर लाने के लिए कोशिश की। हालांकि जब अंग्रेजों ने पहाड़ी जनजातियों को शांत किया तो मिसिंग लोग मैदानी यानी कि प्लेन इलाकों में शांति से रहने में सक्षम थे। 1924 में शिक्षित मिसिंग जनजातियों ने मिसिंग बाने के बांग महान सभा का गठन किया, जो अब तक महत्वपूर्ण मिसिंग संगठन है। संगीत और नृत्य, म्यूजिक एंड डांस। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो इस मिसिंग समुदाय के जो भी लोग हैं या उन लोगों का फोक म्यूजिक और डांस फॉर्म है, वो अपने आप में एक पहचान है, क्योंकि इन मिसिंग कम्युनिटी लोगों के फोक म्यूजिक और डांस बहुत रिच है और इसमें अपना एक पहचान है। उन लोग का रंग बिरंगीन ऐसे डांस फॉर्म है और म्यूजिक भी है। फोक म्यूजिक के बारे में बताऊं तो ऐसे बहुत भिन्न प्रकार है। अब लोग को पहले मैं अगर बताऊं, अवांग ये देवी देवताओं की स्तुति और उपासना का एक श्लोक है। अवांग को मीबू यानी कि पुजारी, मिसिंग के जो पुजारी द्वारा अनुष्ठानों में गाया जाता है। आमतौर पर पबुया या पोरक में इस समुदाय का अवांग का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है, जो एक अनुष्ठान त्योहार है जो बेहतर फसल, स्वास्थ्य और खुशी के लिए प्रार्थना करता है। कवान ये मिसिंग लोग गीतों के सबसे पुराने रूपों में से एक है। ये विलाप संगीत है और दुखद घटनाओं को याद करता है। किसी प्रिय के मृत्यु पर महिलाएं एक तरह से रोने और गाने में फूट पड़ती है, जो किसी बाहरी व्यक्ति के लिए अजीब लग सकता है। तबुतका ये एक रोमांटिक गीत है जो कुछ प्रेम मोलफेरों का वर्जन करता है। सिलुंगनीतम ये एक उदास गीत है जिसे जंगल जैसे एकांत स्थानों में गाया जाता है। मिरंगनीतम ये आमतौर पर दुल्हन को उनके नए घर में ले जाने के समय में गाया जाता है, अक्सर उसे चिराने के लिए भी गाया जाता है। ये भी काफी उदास है क्योंकि ये अपने परिवार, दोस्तों और परिचित बचपन के महलों से अलग होने पर ही रो रोहित दुल्हनों की उदासी को दर्शाती है। ओइनीतम ये मिसिंग लोक गीत का सबसे लोकप्रिय रूप है, जिसे मिसिंग युवाओं द्वारा गाया जाता है जब वो काम कर रहे होते हैं या खेतों, जंगल आदि में घूम रहे होते हैं। ये मिसिंग सोमन यानी कि नृत्य का एक अभिन्न अंग है। मिसिंग समुदाय के नृत्य कई प्रकार होते हैं और प्रत्येक के अपने विशेष नियम होते हैं, जैसे कि गुमरा, मिबुदंगनम, सेल्लोई, लेरेली, लोत्त सोमन, अजुक्तपुंग सोमन, ऐसे बहुत ही डांस फॉर्म होते हैं।
रिलीजन, मिसिंग कम्युनिटी के धर्म और रिलीजन के बारे में बताऊं तो मिसिंग अपने एक परंपराओं को मानते हैं जिन्हें दोनी पोलो कहते हैं। दोनी का मतलब सूर्य, पोलो का मतलब चंद्रमा देवता। और ज़्यादा तक अभी अगर हम लोग इन रियल सेंस में देखा जाए तो फिर मिसिंग लोग मुख्य रूप से एनिमिस्ट है। तो दोस्तों आज जगदीश का दुकुर रामा में आप लोगों को पूर्वोत्तर भारत के असम स्टेट के एक कम्युनिटी है जो मिसिंग कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है, इस कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। ये समुदाय के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, ये मतलब वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए। और ऐसे ही फिर से जगदीश का दुकुर रामा में और एक नई दुकुर रामा के साथ आप लोग को फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।